क्वेश्चन में हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्ने छ एंगल एसीडी दैट इज एक्स ओके हामीलाई के दिएको छ भने एंगल एडीसी इज इक्वल टू 20 डिग्री र सेंट्रल एंगल सेंट्रल ऑब्ट्यूस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 120 डिग्री यस फिगर में ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल अब यदि हामीले ट्रायंगल एडीसी हेर्यौं भने हामीसँग एउटा एंगल छ एडीसी दैट हैज बीन गिवन टू अस हामीलाई एसीडी एंगल फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यदि हामीले एंगल डीएसी पत्ता लायौं भने हामीले हामीसँग यो ट्रायंगल को दुईवटा एंगल हुन्छ त्यसो भए हामी थर्ड एंगल पत्ता लगाउन सक्छौं हैन सो लेट अस फर्स्ट फाइन्ड एंगल डीएसी अफ ट्रायंगल एडीसी ओके अब एंगल डीएसी भन्नु अथवा एंगल बीएसी भन्नु एउटै कुरा हो राइट सो वी विल कन्सिडर एंगल बीएसी फर नाउ एंगल बीएसी इन्स्क्राइब्ड एंगल हो हैन र यसको अपोजिट आर्क कुन हो त आर्क बीसी फेरि हेरौं है त एंगल बीएसी इज द इन्स्क्राइब्ड एंगल हैन र यसको अपोजिट आर्क कुन हो त आर्क बीसी त्यसो भए आर्क बीसी मा सबटेन्ड भएको सेन्ट्रल एंगल कुन हो त रिफ्लेक्स एंगल बीओसी राइट सो यदि हामीलाई ऑब्ट्यूस एंगल बीओसी दिएको छ एज 120 डिग्री भने हामी रिफ्लेक्स एंगल बीओसी निकाल्न सक्छौं कसरी भने ऑब्ट्यूस एंगल बीओसी प्लस रिफ्लेक्स एंगल बीओसी इज इक्वल टू 360 डिग्री इसको रीजन क्या हुन्छ त एंगल इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री त्यसो भए वी कैन राइट रिफ्लेक्स एंगल बीओसी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑब्ट्यूस एंगल बीओसी हैज बीन गिवन एज 120 डिग्री राइट सो दिस विल बी इक्वल टू 240 डिग्री सो आर्क बीसी में रहेको सेंट्रल एंगल दैट इज रिफ्लेक्स एंगल बीओसी को वैल्यू हामीले कति निकाल्यौं त 240 डिग्री नाउ We have read a relation which says inscribed angle is half of the central angle standing on the same arc. Reflex angle BOC, inscribed angle BAC are standing on the same arc BC. So, angle BAC will be half of the central angle that is reflex angle BOC. This will be equal to half times of 240 degree. This will be equal to 120 डिग्री त्यसो भए एंगल बीएसी को मेजर कति छ त 120 डिग्री यसलाई एंगल बीएसी लाई हामी एंगल डीएसी पनि लेख्न सक्छौं राइट सो वी कैन राइट एंगल डीएसी इज इक्वल टू 120 डिग्री अब यदि हामीले ट्रायंगल एसीडी हेर्यौं भने वी कैन राइट इन ट्रायंगल एडीसी एंगल एडीसी प्लस एंगल डीएसी प्लस एंगल एसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन बीइंग सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल एडीसी कति दिएको छ त 20 डिग्री एंगल डीएसी हामीले निकाल्यौं 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हामीले यसलाई सॉल्व गर्यौं भने हामी के पाउँछौं द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 40 डिग्री